तो नमस्कार दोस्तों वेलकम फॉर यूआर चैनल एवी बॉक्स ऑफिस दोस्तों इसके पहले हम सभी के बीच में फिल्म आर 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 के पहले द कश्मीर फाइल्स का बोलबाला चल रहा था पर दोस्तों अब बॉक्स ऑफिस पे केवल एक ही फिल्म का नाम है वो है आर 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 और दोस्तों आप सभी को पता है कि फिल्म को लगे हुए को हम सभी के बीच में चार दिन पूरे हो चुके हैं और इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म अपने पांचवें दिन में एंट्री मारने वाली है तो आज हम आपको बताएंगे फिल्म का इंडियन नेट कलेक्शन फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन फिल्म का ओवर कलेक्शन फिल्म का यूएसए कलेक्शन और दोस्तों फिल्म का ऑल कंट्रीज वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो चलिए दोस्तों दिल थाम के बैठिएगा शुरू करते हैं पूरा वीडियो अगर हम बात करें दोस्तों एक्शन थ्रिलर मास महाराजा सस्पेंस कॉमेडी ड्रामा फिल्म आर 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 जिसके अंदर आपको हर एक कैरेक्टर का बराबर का रोल देखने के लिए मिलता है इस फिल्म के अंदर आपको एक भी कैरेक्टर फालतू नज़र नहीं आने वाला और दोस्तों फिल्म आपको शुरू से लेकर अंत तक तर, पूरी तरीके से बांधे रखती है इससे एक बात पता चलती है कि एस एस राजा मोली को पूरी तरीके से पता है कि ऑडियंस को किस तरीके से बांधे रखना है फिल्म के लिए कैसे खेच के लेके आना है और इन फिल्मों के अंदर कितना पैसा लगा है और उस पैसे का कैसा उपयोग करना है ये सभी चीजें एस एस मुली को बखूबी काफी प्यारे तरीके से आती है अब दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म को हम सभी के बीच में चेन्नई में हैदराबाद में विशाखापट्टनम में निजामाबाद में करीमनगर में काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपेंसी देखने के लिए मिल रही है हर एक हॉल सिनेमा हॉल सभी हाउसफुल जा रहे हैं जिसके वजह से फिल्म को काफ़ी अच्छी ऑक्यूपेंसी देखने के लिए मिल रही है फिल्म को हम सभी के बीच में तेलुगु हिंदी तमिल मलयालम कन्नाडा लैंग्वेज में रिलीज करा गया है जिसके चलते फिल्म ने अपने पहले दिन एक करोड़ रुपए कमाए दूसरे दिन कमाए छियासी करोड़ रुपए तीसरे दिन कमाए पिचासी करोड़ रुपए और दोस्तों ये फिल्म अपने चौथे दिन लगभग साहठ करोड़ रुपए कमाते हुए नज़र आ रही है पर दोस्तों आपको बता दें कि ये फिल्म अपने पांचवें दिन के ऑक्यूपेंसी एक बार फिर से बढ़ाते हुए कलेक्शन कर रही है लगभग 80 करोड़ रुपए का जिसके चलते इस फिल्म का इंडियन नेट कलेक्शन हो चुका है पांच दिनों का 441 करोड़ रुपए और दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है चार करोड़ रूपए इसी के साथ दोस्तों फिल्म ने विदेशी मार्केट ऐसी कमा लिए हैं लगभग सत्तर करोड़ रूपए और इस फिल्म ने यूएसए ऐसी कमा लिए हैं अस्सी करोड़ रूपए इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का अदर विदेशी कलेक्शन हो चुका है बीस करोड़ रुपए का और दोस्तों फिल्म वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर चुकी है छह सौ पचपन करोड़ रुपए का जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जो फिल्म का का है जो है क्रेज वो कितने हाई लेवल का बन चुका है अगर दोस्तों आप फिल्म आर 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 को देख के आ चुके हैं तो आपको फिल्म कैसे लगी कितनी अच्छी लगी कौन से एक्टर की एक्टिंग सबसे ज्यादा अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपके रहमान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि ऐसे ही आने वाली मूवीज के अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी शुद्ध हिंदी में सबसे पहले जय हिंद वन्यमातरम